बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल अच्छा लग स्टाइल में खुश आमदीद कहती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 4 से 5 ईयर बेबी गर्ल की ओपन शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग का ट्यूटोरियल लाई हूँ, जिसे आप इजीली जो है जिसकी मदद से आप इजीली कटिंग एंड स्टिचिंग जो है वो सीख सकेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इनर पार्ट रेडी करेंगे। इनर पार्ट के लिए हम प्लेन फैब्रिक लेंगे, जिसकी लेंथ हम 26 इंच लेंगे और विड्थ जो है वो हम 18 इंच लेंगे। फिर हम एक प्रिंटेड फैब्रिक लेंगे, जिसकी लेंथ जो है हम अपनी आम बॉडी पार्ट से 1 इंच ज़्यादा रखेंगे, यानी कि 11 इंच हम इसकी लेंथ रखेंगे और 18 इंच बिल्कुल इसकी विड्थ रखेंगे। अब हम इस पर तीरा 5 इंच रखेंगे। इसके साथ साथ जो है हम आर्म होल जो है वो 5.5 इंच रखेंगे। चेस्ट का निशान जो है वो हम 8 इंच पे लगाएंगे और कमर का निशान जो है वो हम 7 इंच पे लगाएंगे। इन तमाम निशानों को लगाने के बाद हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे और इसको शर्ट की शेप में जो है वो हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। इसकी जो शेप है वो हम थोड़ी सी शर्ट शेप में कटिंग करेंगे। कंधे इसके साथ साथ हम इसके पहले शोल्डर की गुलाई करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड, ये जो डिज़ाइन है आप किसी भी फैब्रिक पे बना सकती हैं। मैं इसे लॉन फैब्रिक पे बना रही हूँ। आप इसे जो है चाहें तो किसी रेशमी फैब्रिक पे या नेट फैब्रिक पे भी बना सकती हैं। ये देखने में बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देता है। इसकी कटिंग करने के बाद जो है हम बॉडी पार्ट्स को अलहदा कर लेंगे। फ्रंट बॉडी पार्ट को अलहदा करेंगे और इसको दरमियान से कट कर लेंगे। हम इस पर अभी नेक लाइन की कटिंग नहीं करेंगे। नेक लाइन जो है वो हम अपना डिज़ाइन बनाने के बाद जो है इस पर हम नेक लाइन बनाएंगे, जो कि बहुत ही स्टाइलिश और एलिगेंट लुक देगी। बैक साइड के पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर हम जो है अपना बैक साइड की नेक लाइन बनाएंगे, जिसकी विड्थ जो है वो 1.5 इंच रखेंगे और लेंथ जो है वो हम 2 इंचज रखेंगे। अब जो है हम इसकी कटिंग कर लेंगे और सेम इसी तरह से इसको भी दरमियान से कट कर लेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद जो है हम अब बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट की कटिंग करने के लिए हम फैब्रिक लेंगे, जिसकी जो है हम विड्थ जो है वो 35 इंचज रखेंगे और लेंथ जो है वो 20 इंचज रखेंगे। ये जो है हम डबल लेंगे कि फ्रंट और बैक का, दोनों साइड्स का जो है हम लेंगे और सेम लेंथ और सेम विड्थ जो है वो हम रखेंगे। हम इसको दरमियान से अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए फ्रंट पार्ट को अलहदा करेंगे और इसकी दरमियान से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें इसकी ओपन शर्ट रेडी करनी है। इसलिए अब सबसे पहले हम अपना बैक पार्ट रेडी करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले बटन टेक पट्टी बनाएंगे। बटन टेक पट्टी बनाने के लिए हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर इसको स्टिच करके इस तरह से इसकी बटन टेक पट्टी बना लेंगे। अब हम रेप पट्टियाँ लेंगे, जिसे हम अपनी बैक साइड के गले पर जो है वो अटैच करेंगे। इसको बैक साइड के गले पर अटैच करने के बाद सिलाई लगा लेंगे। आप अच्छे से अटैच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को जो है वो आप कट कर लेंगे। अब आप इसको अच्छे तरीके से कट लगाएंगे, लेकिन सिलाई को बचाते हुए कट लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से फोल्ड करके या तो आप इस पर सिलाई लगा सकती हैं या तुरपाई कर सकती हैं। दोनों में से जो भी आपको ईजी लगे वो आप ईज़िली इस पर कर सकती हैं। इस तरह से अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए बिल्कुल नीटली आप इसे कर सकती हैं। अब हम अपना बॉटम पार्ट लेंगे और बॉटम पार्ट को जो है हम अपने बॉडी पार्ट के साथ अटैच करेंगे। जो सा 1 इंच फैब्रिक हमने एक्स्ट्रा लिया है, उस 1 इंच फैब्रिक को हम इंची टेप से मेजर करते हुए वो इतना 1-1 इंच का फैब्रिक के जो है गैप छोड़ेंगे। और इस 1 इंच फैब्रिक के गैप को छोड़ते हुए जो बॉटम पार्ट पे हमने चुनर डाली है उसके साथ हम इसे इस तरह से अच्छे तरीके से अटैच कर लेंगे। सिलाई की मदद से इसको अटैच कर लेंगे। अब हम जो है एक डोरी लेंगे, जिसकी लेंथ जो है वो हम 20 इंच लेंगे और इसको अपनी चुनटों वाली सिलाई के ऊपर रख के जो फैब्रिक हम लोगों ने 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है उसको अच्छे तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि सिलाई डोरी के ऊपर ना आए। बिल्कुल सेम इसी तरीके से 20 इंच की ही लंबी डोरी लेके उसको भी हम अपने बैक पार्ट पे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही अटैच करेंगे। और फ्रंट पार्ट के लिए हम एक साइड से सिक्योर करेंगे और बैक पार्ट के लिए हम इसको दोनों साइडों से सिक्योर कर लेंगे।
और उसके बाद आ गया तो हम लोगों ने जो चुनट बनाई है उसके ऊपर हम ये लैस लगाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगी। इसके ऊपर ये लैस लगा लेंगे। लैस लगाने के बाद जो हमारा ओपन चेस्ट वाला पार्ट है उसको हम एक एक इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये हम अपने फ्रंट पार्ट पे करेंगे जिसकी हमने कटिंग की थी फ्रंट से ओपन रखने के लिए। और इसके ऊपर जो हम सिलाई लगाने के बाद हम इसके साइडों पर भी इस तरह से ये लैस अटैच कर देंगे, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। अब हम इन अपने दोनों पार्ट्स को इस तरह से रेडी करने के बाद हम इसको इनर पार्ट के ऊपर अच्छे तरीके से रखेंगे। आप चाहें तो पिनों की मदद से भी इसे अटैच कर सकती हैं। एक साइड से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरी साइड तक हम सारी साइड पे इसको इस तरह सिलाई से अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब हम अपनी नेक लाइन की कटिंग करेंगे तो हम इस पर गोल गला बनाएंगे। इसके लिए जो है हम 2.5 इंच चौड़ा और 3 इंच लंबा जो है वो गला कट कर लेंगे। गले को जो है हम अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे इस तरीके की मदद से अच्छी तरह से पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद जो है हम इस पर छोटे छोटे कट लगाकर सिलाई लगा लेंगे। इसकी बैक साइड पर 1-1 इंच कपड़ा हम छोड़ेंगे और उस पर कट लगाकर इस तरह से अच्छे तरीके से इस तरीके की मदद से बिठाकर इसको हम सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसका सेंटर पार्ट बनाएंगे और इसको अपने जो हम लोगों ने वो इसको हम सेंटर पार्ट बनाएंगे, इस पर कट लगाएंगे और जो सा हमने पार्ट रेडी किया था सिलाई लगा के उस पर भी अच्छे तरीके से सेंटर पार्ट बनाते हुए इस नेक लाइन को हम इसके ऊपर सेट करेंगे। आप चाहे तो इसके लिए सेंटर सिलाई लगा सकती हैं, नहीं तो इसे पिनों की मदद से भी आप अच्छे तरीके से सेट कर सकती हैं। अब इसके अंदर अंदर हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ध्यान से कट करेंगे और कट्स भी बहुत ध्यान से लगाएंगे ताकि सिलाई कट ना हो। अब हम इस गले को अच्छे तरीके से पलट लेंगे और इस्त्री की मदद से इसको अच्छे से बिठा लेंगे। इस तरह हमारा बहुत ही नीट सा जो है वो नेक लाइन रेडी हो जाएगी और हम इसके बैक साइड पर अच्छे से छोटे टांकों की मदद से तरपाई कर लेंगे। अब हम एक इसके स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव रेडी करने के लिए हम इसको अच्छे से फोल्ड करके उसके अंदर जो है हम लास्टिक अटैच करेंगे, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं और बच्चियों को पहनने में बहुत कम्फर्टेबल भी रहते हैं। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को आपस में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इनके कंधों पर सिलाई लगाएंगे, फिर हम इसके स्लीव्स जोड़ेंगे। इसके कंधों पर सिलाई लगाने के बाद जो स्लीव्स हमने कट करके जिसके आगे हम लोगों ने इलास्टिक डाली थी उसको हम इनके साथ इस तरह से सिलाई की मदद से अटैच कर लेंगे। अब हम इनर का दामन फोल्ड करेंगे, स्लीव अटैच करेंगे और स्लीव्स को अटैच करते हुए फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम फ्रॉक का दामन जो है वो फोल्ड कर लेंगे और हमारे फ्रॉक की कुछ इस तरह की लुक जो है वो हमें नज़र आएगी। फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। काइंडली चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार कर ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।